ये तो मेरी खाला की गाड़ी है। क्या? हाँ। आप इस लड़की को जानते हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मुझे हैरत हो रही है कि हरीम इसके साथ क्या करेगा। रीम? मैं हरीम के बारे में कुछ भी नहीं जानती, आपसे कोई बात शेयर ही नहीं करती, लेकिन मुझे हैरत हो रही है कि वो इस लड़की को कैसे जानती। यार टैंक फुल कर दे जी, लेट मी डू अ थिंग वेयर आई कॉल इट। हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम खाला, सो सॉरी फॉर कॉलिंग यू दिस लेट। मैंने वैसे आपसे पूछना था कि आपकी गाड़ी कहाँ है। नो आई एम जस्ट आस्किंग, जस्ट क्यूरियस। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं वैसे ही पूछ रहा था, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, थैंक यू। क्या कह रही है? वो कह रही हूँ कि गाड़ी तो शोरूम में खड़ी हुई है, देयर ट्राइंग टू सेल द कार। प्लीज एक काम करना, हरीम से जरूर पूछना कि लड़का कौन और करता क्या है, हाउ डिड ही गेट द कार। हाँ मैं पूछूंगी। हरीम कहाँ से आ रही हो तुम? आपको पता है ना, तो फिर क्यों पूछ रही हैं? हरीम तुम्हें कुछ अंदाजा है कि मैं तुम्हारी वजह से कितनी परेशान रहती हूँ? हरीम, अम्मी आपको पता है हरीम किसके साथ आई है? हाँ पता उन्हें, मैं भी तुम्हारी तरह बता के गई थी कि मैं किसी लड़के से मिलने जा रही हूँ। हरीम, अली से मेरी शादी होने वाली है। नादिया, फहद से मेरी शादी होने वाली है। फहद कौन है हरीम, और उसके पास अली की खाला की गाड़ी कैसे आई? अली की खाला की गाड़ी, क्या जलती है ये? उफ तौबा, इसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि इसके जैसा अमीर मंगेतर मुझे भी मिल गया है। तभी तो ऐसी घटिया बातें कर रही है। और सुनो, फहद तो अली को जानता तक नहीं है, तो फिर ये उसकी खाला की गाड़ी कहाँ से आ गई उसके पास, और उसके पास की गाड़ियों की कमी है? अम्मी ये लड़का जरूर कोई फ्रॉडिया है, इस लड़की को समझाए। अली होगा फ्रॉडिया, ये बात मैं भी कह सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह घटिया नहीं हूँ। और ये मैं कह सकती हूँ कि अली की गाड़ी अली की नहीं है, फहद के बाप की गाड़ी है। और ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से जानती थी कि आप लोग मुझे ना पसंद करते, लेकिन इस हद तक गिर जाएंगे कि तुमने कभी सोचा भी नहीं था। हरीम, हरीम मैं सच कह रही हूँ, आप मेरा यकीन करें, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी? और अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो अली आपसे झूठ क्यों बोलेगा? मुझे तो ये परेशानी है कि इसको अचानक ये लड़का कहाँ से मिल गया, पूछती हूँ उससे। जी अम्मी जरूर पूछिए, जैसे कि वो आपको बता दे। हरीम कौन है ये लड़का? नाम सुन तो लिया आपने उसका, फहद है। तुम कैसे जानती हो, कब से जानती हो उसे, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? अमीर लड़का है, दुबई में रहते हैं उसके खानदान वाले। तो ये यहाँ क्या कर रहा है? आता जाता रहता, बिजनेस है भाई यहाँ पे उन लोग का। तुम कब से जानती हो उसे? कुछ ही दिन हुए। कहाँ मिला तुम्हें? आप क्या पुलिस की तरह सवाल पे सवाल सवाल पे सवाल किए जा रही है भाई? इतना बड़ा शहर है, बस मिल गया? चाहता क्या है? शादी करना चाहता है। अम्मी आप मेरा यकीन करें, मैं ये सब कुछ आज आपको खुद आके बताने वाली थी, लेकिन वो अम्मी ये जो नादिया बोल रही है ना, ये सब कुछ गलत है। पता नहीं क्या क्या उसके बारे में बोले चले जाते हैं, उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है, मैं बता रही हूँ। अजीब उल्टी सीधी बातें करी थी उसके लिए। नादिया कभी भी गलत बात नहीं कर सकती,
और अगर उसने इतना बड़ा हिंट दिया है तो समझने की कोशिश करो, हमें मालूमात करने दो पहले। मेरे मामलात में कोई मदाखलत नहीं करेगा, मुझे पूरा भरोसा है फहद पर। और वैसे भी अम्मी, कल वो आपसे मेरा रिश्ता लेने के लिए आएगा, आप बस हाँ कर देना। मैं सोचे समझे बगैर हाँ नहीं करूंगी। तो सही है, फिर मैं कोर्ट में जाके शादी करूंगी। भाभी आप, ज़ाहिदा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किससे कहूँ। खुदा खैर करे, क्या हुआ है भाभी? हरीम ने तुमसे कभी किसी लड़के के बारे में बात की है? नहीं भाभी, मेरी हरीम बिल्कुल ऐसी नहीं है, वो कभी भी इस तरह के चक्रों में नहीं पड़ेगी। लेकिन अब पड़ गई है। तुमसे कभी उसने किसी लड़के का जिक्र किया था? नहीं तो? नादिया की शादी की तैयारियां चल रही हैं, अब उसे अचानक पता नहीं कहां से रातों रात लड़का मिल गया है। कह रही है कि नादिया की शादी से पहले मंगनी करना चाहती है। अरे आपने पता किया कि आखिर वो लड़का है कौन? कुछ नहीं पता, वो बताती नहीं है। ज़ाहिदा तुम उससे पूछो, शायद तुम्हें कुछ बता दे। उससे कहां बात करती है भाभी वो, मैं इतना फोन करती हूँ उसे, मेरा तो फोन ही नहीं उठाती वो। आप बात करके देखे ना भाभी, शायद आपको बता दे। अब नादिया की शादी भी तो हो रही है, इसी बहाने से आ जाओ, शायद तुम्हें सामने देखकर उसका दिल पिघल जाए और तुम्हें वो अपने दिल की बात बता दे। ठीक है भाभी, मैं कोशिश करती हूँ कि कदीर मुझे आने की इजाजत दे दे। तुमने अली से कहा है कि मालूम करवाए कि फाहद ने गाड़ी कहाँ से ली थी? जी अम्मी। अच्छा है, कोई सबूत मिल जाए ताकि इस हरीम को भी मैं कुछ समझा सकूं। अम्मी मगर कोई सबूत नहीं मिला। अली शोरूम गए थे लेकिन शोरूम वालों ने कहा कि रात भर गाड़ी वहां से नहीं निकली। नादिया कहीं ऐसा तो नहीं कि अली को कोई गलत फहमी हुई हो? नहीं अम्मी, अली ने सही तरीके से गाड़ी पहचान ली थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस वक्त हमें गाड़ी का पीछा करना चाहिए, देखना चाहिए था कि गाड़ी जा कहाँ रही है। लेकिन उस वक्त हमारा जहन सिर्फ इस बात पर था कि हरीम उस लड़के को कैसे जानते। मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ आग है तो दूसरी तरफ दरिया। कल आ रहा है वो लड़का मुझसे रिश्ते की बात करने। इतनी जल्दी? तुम अली से बोलो कि पूछ गिछ करवाए। प्लीज अम्मी, खुदा का वास्ता हाथ जोड़ रही हूँ मैं, अली को प्लीज बीच में ना लाए। तुम मुझे बताओ ना कि मैं क्या करूँ। अम्मी प्लीज, हरीम को ना मेरी जिंदगी से दूर रखें, ये करें आप। वैसे ही मैं इतना डरी हुई हूँ कि पता नहीं मेरी शादी पे कौन सा नया तमाशा खड़ा करेगी, क्या ड्रामा करेगी। कह तो रही है वो कि तुम्हारी शादी से पहले मंगनी करना चाहती। मंगनी? मेरी तरफ से उसका निकाह करवा के उसे रुखसत कर दे। कैसे करवा दूं उसका निकाह, कैसे करवा दूं, आखिर मैं माँ हूँ। माँ तो आप मेरी भी है, क्या मेरा बुरा देख सकती हैं आप? अम्मी मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप खुद ही तो कहती हैं कि मुझे अली जैसा लड़का नहीं मिल सकता, और हरीम की वजह से मैं अली को खोना नहीं चाहती। प्लीज अम्मी, प्लीज मुझे हरीम से बचाएं। आप मेरी बात मान लो, आपके हक में यही बेहतर है, वरना मुझे और भी बहुत से रास्ते आते हैं। और अब मैं उसे मंगनी नहीं बल्कि शादी करूं। ठीक है, बुला लो उसे। मेरे मेरे बीच इश्क नादानी, मेरे मेरे बीच इश्क नादानी। तुम उसकी फैमिली के बारे में कुछ जानती भी हो या नहीं? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो लड़का मुझे अच्छा लगता, और मेरे लिए बस इतना ही काफी है। और आपके हक में भी यही बेहतर है कि आप जितनी जल्दी हो सके मुझसे जान छुड़वा लें। हरीम, मैं तुमसे क्यों जान छुड़वाऊंगी, मैं तो तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूँ, परेशान हूँ मैं तुम्हारे लिए। बस कर दें अम्मी, आपने अपनी मर्जी से भी तो मुझे फूफो के हवाले किया ही था ना, अब मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक फहद के हवाले कर दें, आपको क्या फर्क पड़ जाएगा। अच्छा ठीक है भाई,
लेकिन तुम इतनी जल्दी शादी का फैसला क्यों लेना चाहती हो? चलो कर दिया ना अपनी बेटी और मुझे फिर से फर्क। नादिया ने जिस लड़के को पसंद किया उससे तो शादी करने के लिए आप फौरन मान गई हैं, मुझे ही मना कर रही हैं बस। या ला इस लड़की को कोई समझाए, इसे तो खुदा ही समझा सकता है। हरीम मेरी एक बात याद रखना, तुम बहुत पछताओगी, बहुत पछताओगी तुम। हेलो फहद, तुम मुझे मेरे घर से ले सकते हो? हाँ मुझे मिलना था तुमसे। हाँ मैं तैयार हूँ। अस्सलामुअलैकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा किया जायदा तुम आ गई। अरे हरीम कहाँ है? हरीम, अरे देखो ना तुम्हारी माँ या माँ ये तुम्हारी। अरे बुलाओ ना हरीम। जायदा हरीम अपने कमरे में अभी आ जाती है। अरे भाभी उसे बुलाओ ना। अब किस कमरे में है? अच्छा ना तुम सांस तो ले लो, आ जाती है। छोड़ो ना भाभी, सांस तो मुझे जब आएगी जब मैं अपनी जान को देखूंगी। अरे मेरी तो सांसें अटकी हैं, बताओ ना भाभी किसका। अच्छा जायदा आओ आओ, अंदर तुम्हारी दो भतीजियां और भी हैं, उनसे तो मिल लो, मिल लेना उससे भी। वो तुम आओ तो चलो। नादिया सादिया देखो जायदा पप्पो आई है। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। वालेकुम सलाम। बैठ। अरे बताओ ना कहाँ है हरीम? घर में नहीं है क्या? कहाँ गई है? जाहिदा वो नादिया की शादी की तैयारियां चल रही है ना, तो अपने लिए शॉपिंग करने गई है। अकेली? क्यों, हरीम बच्ची है क्या? अगर नादिया और सादिया अकेली जा सकती हैं, तो उसे जाने में क्या मसला है? वैसे भाभी हाथ से पहले ये सवाल जो मैंने आपसे किया ना, आप मुझसे किया करती थी, और मैं भी आपको यही और ऐसी जवाब दिया करती थी जो आज आप मुझे दे रही हैं। वो अरीबा है ना सादिया की सहेली, उसके साथ गई। शुक्र। तो यूं कहिए ना, आपने तो मेरी जान निकाल दी, मैं समझी कि अकेली चली गई है, उसको तो रास्ते भी नहीं पता यहाँ के। अल्लाह तेरा शुक्र है। अच्छा मुझे एक बात बताओ जायदा, हरीम के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है क्या? मैंने तुमसे कई बार पूछना चाहा लेकिन तुमने मुझे टाल दिया, बताओ तो सही बात क्या है? बड़ी लंबी कहानी है भाभी, फिर कभी सुनाऊंगी। कदीर ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं बड़ी मुश्किल से नादिया की शादी का कहकर आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम अस्सलाम। अब हरीम कहाँ है? तुम्हारे साथ गई थी ना? नहीं तो मुझे तो नहीं पता, मैं तो सादिया से मिलने आई हूँ। सादिया मुझे वो सोशियोलॉजी के नोट्स आए थे। पप्पो मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। भाभी मैं तो जाहिल थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, उसकी तरबियत नहीं कर सकी अच्छी तरह से, लेकिन अब तो वो आपके पास है, आपको बिना बताए घर से कैसे चली गई वो? 10 माह की मासूम बच्ची मैंने तुम्हारे सपोर्ट की थी, आज 20 साल बाद एक बदतमीज खुदसर और जवान लड़की को मेरे सपोर्ट करते ही मुझसे हिसाब मांगने लगी। अभी उसे मेरे पास आए हुए दिन ही कितने हुए, मेरे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि मैं उसे रातों रात बदल सकूं। ओफो, आप लोग क्यों हरीम को लेके उलझ रहे हैं, क्यों एक दूसरे को इल्जाम दे रहे हैं? ओफो क्यों परेशान हो रही है? अक्सर चली जाती है हरीम शॉपिंग मॉल अकेले, बहुत कॉन्फिडेंस है उसमें, बहुत बहादुर है, वो आ जाएगी। पानी।
हरीम, अरे मेरी शहजादी, अरे तू तो बिल्कुल शहरी हो गई है, मैडम लग रही है। कपड़े कितने अच्छे पहने तूने, बाल छोटे करा दिए, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये कपड़े कहाँ से आए तुम्हारे पास? खरीदे हैं मैंने, और कहाँ से आएंगे। अच्छा आना मेरे पास बैठ, अच्छा जल्दी आ, इधर आ जा। हेलो, अभी तो मिलके आई हूँ, फिर एक सेकंड जरा रुकना, मिल लिया ना आपसे, अब क्या है? हरीम, मैं इतनी दूर से आई हूँ, कब से तड़प रही हूँ तुझसे मिलने के लिए, तेरे पास इतना सा टाइम नहीं, मेरे पास बैठ जाओ ना थोड़ा। अभी कुछ दिन आप यही है ना, मैं आराम से बात कर लूंगी आपसे। पप्पो, क्या पप्पो, ये तूने पप्पो किसे कहा है? मैं माँ हूँ तेरी, माँ, पप्पो नहीं हूँ। आप दोनों आराम से बैठ के तय कर ले कौन मेरी माँ है और कौन नहीं है। मैं जाऊं, बहुत जरूरी फोन है। हाँ बोलो। ऐसे कैसे मुझसे इतना नाराज हो सकती है ये? इतना थोड़ी बदल सकती है। हाँ नाराज हो गई है शायद, मैं मना लूंगी इसको, अभी मना लूंगी। तुमने अपने मान जाए थी, ऐसी अदाएं दिखाती है ना मुझे। अरे भाभी यूं मना के लाई आप, देखिएगा ज्यादा मत जाओ, कोई फायदा नहीं। ज़ाहिदा, भाभी वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने तो उसे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखा है, मैंने उसे बहुत प्यार किया भाभी। उसे किसी के प्यार का क्या पता ज़ाहिदा, उसके दिल में तो नफरत भरी है, नफरत। अच्छा तुम, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या हुआ। क्या हुआ भाभी? नादिया की शादी का सुनकर जल गई, इसी हसद में न जाने कहां से लड़का पकड़ लाई है, कहती है मैं तो इसी से शादी करूंगी, और नादिया की शादी से पहले मंगनी करना चाहती है। मगर भाभी कौन है वो, आपको पता है कौन लड़का है? आपने पूछा उससे? अरे मैं कहां से मालूम करती, मुझे क्या पता। मैंने सोचा तो था कि मैं अली से कहूंगी कि उस लड़के का मालूम करे, लेकिन मुझे नादिया ने मना कर दिया कि अली को बीच में मत लाए। अच्छा ज़ाहिदा मुझे तुम ये बताओ कि ऐसा आखिर क्या हुआ जो हरीम इस तरह से अचानक आ गई? बस कुछ ना पूछे भाभी, ये तो खुदा का शुक्र है कि उसकी जान बच गई। कदीर उसे जान से मारना चाहता था, वो तो अच्छा हुआ मुझे पता चल गया और मैंने इसे रातों रात वहां से निकाल दिया। लोग इसे अपने खानदान का नहीं समझते भाभी, मुझे हैरत है उसने आपको कुछ नहीं बताया। बहुत खुन्नी है वो, उसके दिल में क्या है कब बताती है किसी को? बताती भी कैसे भाभी, कदीर ने मुझसे कसम ली थी कि इसकी जान उस सूरत में बख्शेगा कि ना मैं इसे कभी फोन करूंगी और ना मैं कभी इससे मिलूंगी, मगर मुझे डर था कि रास्ते में कदीर के लोग इसे मार ना दें, इसीलिए मैंने इससे कहा था कि किसी को कुछ मत बताना। कैसे बताती, मैंने जो हरीम को कसम दी थी। अच्छा तो ये बताओ कि फिर कैसे आने दिया उसने तुम्हें? क्या भाभी, मैंने अपने हिस्से की सारी जायदाद उसके नाम कर दी। बहुत अच्छा किया, भाड़ में जाए ऐसी जायदाद जिससे जान को खतरा हो। तीन वक्त की रोटी मिलती है मुझे, रहने को जगह है, बस शुक्र अदा करती हूँ मैं। ऐसा क्यों सोचती हो जायदा तुम? तुम यहाँ रह जाओ, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। नहीं भाभी, अव्वल तो कदीर मुझे आने नहीं देगा, और अगर वो मुझे आने भी दे ना भाभी तो मैं खुद नहीं आना चाहूंगी, उससे हरीम की बेरुखी बर्दाश्त नहीं होगी भाभी।
मैं उसकी नाराजगी नहीं सह सकती हूँ। मेरा दिल भर जाएगा भाभी, मैं वैसे ही मर जाऊंगी। चुप हो जाओ। खुदा जानते भाभी मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। ये नहीं, ये ग्रीन वाली लगा। अम्मी जरा बात सुनो। आ रही हूँ बेटा, ये रख। एक तो तुम मुझे बुलाती हो ना तो मेरा दिल हौलने लगता है, तो पता नहीं किस वक्त क्या कह दे। अच्छा बताओ क्यों आवाज़ दी है? अम्मी वो ना कल फहद और उसके कुछ दोस्त हमारे घर आ रहे हैं मंगनी की रस्म के लिए। हरीम बेटा इतनी जल्दी क्या है? देखो नादिया की शादी हो जाए फिर तुम जैसा कहोगी ना मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। अम्मी करना तो अब भी आपको वैसे ही पड़ेगा जैसा मैं कहूँगी। कल फहद के दो तीन दोस्त आ रहे हैं, आप चाय पानी का बंदोबस्त कर लीजिएगा। और हाँ मुझे कुछ पैसे दे दें, मंगनी की अंगूठी खरीदनी है मुझे फहद के लिए। खुदा के वास्ते हरीम संभल जाओ, मत करो मनमानी, मत करो ऐसी जिद बेटा। अगर आपको ये जिद लग रही है तो फिर जिद ही से। देखो हरीम बेटा तुम्हें अभी इस घर में आए हुए दिन ही कितने हुए, अभी कुछ और दिन यहाँ रहोगी ना तो तुम्हारा बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोगों से वास्ता पड़ेगा। देखो बेटा फाहद मुझे मशकूक सा लड़का लगा है, तो तुम उसे कुछ दिन देखो परखो उससे मिलो फिर फैसला करना। मैं फैसला कर चुकी हूँ अम्मी, आप मेरी बात मान लो, आपके हक में यही बेहतर है, वरना मुझे और भी बहुत से रास्ते आते। अरे मैं उसे मंगनी नहीं बल्कि शादी करूँ। ठीक है बुला लो उसे, मैं कर देती हूँ तुम्हारी मंगनी। ये हुई ना बात, लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं कि निग्गत खातून बड़ी समझदार है। मेरा एक दोस्त है, उसका गाड़ियों का बिजनेस है। मैंने बातों बातों में उससे फहद के बारे में पूछा था, वो जमान मोटर्स वालों को तो जानता है, लेकिन उसने मुझे बताया कि तारिक जमान का कोई और बिजनेस पार्टनर नहीं है। तेरे मेरे बीच इश्क नादानी, तेरे मेरे बीच इश्क नादानी। अम्मी हो सकता है इसमें भी कुछ ना कुछ भेतरी हो, और वो तो सिर्फ मंगनी का कह रही है ना, शादी का थोड़ी। क्या पता कुछ अरसे बाद वो फहद के बारे में बदल जाए, बेवकूफ तो है। वो कह रही है कि मंगनी कर ली करेगी और नादिया की शादी के फौरन बाद शादी करना चाहती है। अल्लाह रहम करेगा, और हो सकता है वो लड़का शादी के बाद सुधर जाए। नहीं जायदा, लड़के को हम नहीं जानते, उसके घर वालों के बारे में हमें कुछ नहीं पता। मुझे तो वो लड़का ठीक नहीं लग रहा। या अल्लाह बस हम सब पे रहम करना मेरे मालिक तू। अम्मी आप कितने लोगों को मंगनी पे बुलाने का सोच रहे हैं? किस मुंह से बुलाऊंगी लोगों को, परसों सब लोग तुम्हारी माइयों पर आ रहे हैं। अब क्या कहूं लोगों से कि माइयों से पहले दूसरी बेटी की मंगनी रख ली? अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, शुक्र है मालिका कि हरीम ने जिद नहीं की कि कितने लोगों को बुलाना है। घर वाले होंगे जायदा और लड़के वाले होंगे, उसमें से भी सिर्फ उसके दोस्त ही आएंगे। लेकिन अम्मी नादिया की सास को और अली भाई को तो बुलाना पड़ेगा। हाँ
अली को तो बुलाना ही चाहिए, लेकिन उसकी अम्मी के बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिल कांपता है। वो खातून तो कोई नया इशू निकाल लेंगी इसमें से। फिर भी नादिया, तुम अली से मशवरा कर लेना, जैसा वो कहेगा वैसा ही कर लेंगे। बात मम्मी तक पहुंच गई। नादिया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम्हें नहीं लगता कि फैसला कुछ ज्यादा जल्दी हो रहा है? अली, मुझे भी बहुत डर लग रहा है, लेकिन मैं तो आपको हरीम के बारे में बता चुकी हूँ ना, वो अपनी जिद पर अड़ चुकी है। अगर तुम कहो तो मैं हरीम से बात करूँ? कोई फायदा नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता। चलो, ये तो अच्छा ही हुआ कि अभी सिर्फ मंगनी हो रही है, शादी होती तो मजीद परेशानी होती। अली, सिर्फ घर के लोग होंगे और बाहर के कुछ दोस्त, आप मुझे बताएं आंटी को दावत देनी चाहिए या नहीं? मेरा नहीं ख्याल है, वो शायद आएंगी भी नहीं। अच्छा, आंटी से पूछना कि अगर मेरे लायक कोई भी काम हो तो प्लीज मुझे जरूर बताएं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, अम्मी अम्मी कर लेंगी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कुल मिला के कितने लोग हो जाएंगे? 10-12 लोग तो होंगे ही ना? मैं ऐसा करता हूँ कि खाना ऑर्डर कर दूंगा, आंटी से कहना कि घर पे खाना ना बनाए। हाँ ठीक ठीक है नादिया, फिर मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, बाय। किसकी मंगनी की बात हो रही थी? मम्मी हरीम की। हरीम कौन? नादिया की बहन। हो, अच्छा, कब? कल। कल? इतनी जल्दी? उनके तो रिश्तेदार गांव में रहते हैं ना? मम्मी, मुझे कुछ ज्यादा डिटेल्स तो पता ही नहीं है, बस नादिया ने इतना बताया था कि सादगी से मंगनी हो रही है। अच्छा, होने वाले दामाद से मशवरा करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा शायद। एनीवे, तुम हो आना। जी, मैं भी यही सोच रहा था। मैं भी चलती, लेकिन मैं बिजी हूँ। नहीं नहीं मम्मी, नो प्रॉब्लम। वैसे भी तुम्हारे ससुराल के रास्ते कुछ भूल भुलैया की तरह से हैं। आप करते क्या? हाँ, फैमिली बिजनेस, शोरूम्स हैं हमारे, तो गाड़ियाँ हम इम्पोर्ट करते हैं। कहाँ है शोरूम? ये यहीं पे है, तारिक रोड। तारिक रोड, सर। नाम क्या? समान मोटर्स। समान मोटर्स, ये आपका अपना शोरूम है? क्यों आपको शक है? जी, मैं और फहद पार्टनर्स हैं। हम पार्टनर्स हैं। वो क्या है ना, मेरी फैमिली तो दुबई में रहती है, तो बिजनेस भी वहीं है, गारमेंट्स का बिजनेस है हमारा। और अब मैं खुद इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान आया, तो यहाँ पर खुद का बिजनेस सेट करना चाहता हूँ। आंटी, अगर आप हमारी होने वाली भाभी को ले आए तो हम लोग मंगनी की रस्म भी अदा कर लें। क्या जबरदस्त खेल खेला है तूने, मानता है कि नहीं? यार फहद, तेरे ससुराल वाले हैं बड़े शरीफ लोग। ये तो अच्छी बात है ना, तभी तो इतनी आसानी से मेरी बातों में आ जाते हैं। और हमारी भाभी, वो भी बिल्कुल सीधी सादी सी है। ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आजकल की लड़कियों की मेजॉरिटी ना कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हो गई है। इंटरनेट मैन, इंटरनेट, अभी किसी चीज़ का नाम मुँह से निकाला नहीं कि गूगल पे बैठ जाती हैं डिटेल निकालने। अच्छा, वैसे ये बता, ये सब तूने किया कैसे? देख, मैंने ज़िंदगी से इतना ही सीखा है कि ये जो घी होता है ना, कभी सीधी उंगली से नहीं निकलता, इसीलिए डब्बा उल्टा करना पड़ता है। वैसे मैंने तुम्हें जुबानी कलामी
अपना बिजनेस पार्टनर बना तो लिया, अगर तुम चाहते ना तो ये सच हो सकता था। लेकिन जनाब कहीं टिक कर कोई काम करें तो ना, कितनी बार कहा कि कुछ कर लो कुछ सीख लो, लेकिन नहीं। पता है किसी एक जगह टिक के काम करना इज वेरी बोरिंग, और इस भी लाइफ में सब कुछ जल्दी जल्दी होना चाहिए यार। इंसान को बड़ा बनना है, पैसे कमाने हैं, कहीं पहुंचना है तो जल्दी। और मेरा क्या कसूर है, मेरी किस्मत खुद प्लेट में सजी हूँ, मेरे सामने आ गई, अब मैं मना तो नहीं कर सकता। मंगेतर का फोन है, एक्सक्यूज। हेलो बेबी, पता है तुम्हें ही मिस कर रहा था मैं। कह तो सही रही हो जायदा, सबसे बढ़कर ये कि हरीम जैसा लड़का चाहती थी ना, उसे बिल्कुल वैसा ही लड़का मिला। भाई हरीम को दौलत चाहिए थी ना, हम तो दौलत दे ना सके उसे, उसने अपने लिए क्या लड़का चुना है, दौलतमंद अमीर घराने का, राज करेगी मेरी बच्ची, राज। बस खुदा उसे उसकी खुशियां बख्श दे। वैसे ज़ायदा, जब से नादिया की बात तय हुई है उसकी खुशी तो अपनी जगह, लेकिन दिल ही दिल में सच पूछो तो मैं बहुत डर रही थी। क्यों भाभी? देखो ना ज़ायदा, अगर एक बेटी की शादी किसी बहुत अच्छे और अमीर ख़ानदान में हो, बाकी दो बच्चियों का ससुराल भी उनकी टक्कर का होना चाहिए, वरना बड़े मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। नादिया तो फिर भी हर हाल में समझौता कर लेती, लेकिन हरीम ये सब कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी ये मुश्किल खुद ब खुद हल हो गई। बस अब अल्लाह मेरी सादिया के नसीब भी अच्छे करे। इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा, क्यों फिक्र करती हो? तुम्हारा ब्राइडल लिस्ट लेना भी एक बहुत बड़ा मरहला था। I'm so happy कि वो हो गया आज। अभी तो और भी मराहिल हैं, अभी आपके कपड़े भी लेने हैं। मेरे लिए? तो और किसके लिए लूं? लेकिन मैं तो अपने कपड़े खरीद चुका हूँ। क्या, क्यों? वो तो अम्मी की तरफ से थे आपके। See, honestly, मुझे इन चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं है, मैं बस अपने दोस्तों के साथ गया और जो मुझे अच्छा लगा मैंने ले लिया। अच्छा, फिर जो अम्मी ने आपके कपड़े के लिए पैसे दिए थे वो मैं आपको दे दूंगी। अच्छा तुम छोड़ो इन बातों को, मैं आंटी से खुद ही बात कर लूंगा। वो नादिया, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। मेरा एक दोस्त है, उसका गाड़ियों का बिजनेस है, एंड यू नो ये सारे शोरूम्स वाले एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मैंने बातों बातों में उससे फहद के बारे में पूछा था, वो जमान मोटर्स वालों को तो जानता है, लेकिन उसने मुझे बताया कि तारिक जमान का कोई और बिजनेस पार्टनर नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है, उसे कोई गलत फहमी हो गई होगी। नहीं नादिया, मैंने उसे बहुत अच्छी तरह से पूछा था। लेकिन तारिक जमान ने तो हमें खुद ही बताया था कि फहद उसका बिजनेस पार्टनर है। Exactly. इसीलिए तो मैं भी हैरान हूँ। हरीम वो जो तुमसे बात करनी थी, मगर प्लीज मेरी बात का पूरा मत मानना, एक दफा आराम से मेरी बात सुन ले। जब तुम्हें पहले से पता है कि तुम जो बात करने वाली हो मुझे नाराज कर सकती है, तो फिर क्यों करने वाली तुम ऐसी बात? कि हरीम मैं तुम्हारी बड़ी बहन, तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं चाहूं। अच्छा हरीम, अली का दोस्त एक शोरूम ओन करता है, तो फिर अली को उससे पता चला है कि जमान मोटर्स का मालिक सिर्फ तारिक जमान।
ये क्या बकवास है? तुम्हें शर्म नहीं आती? और मैंने तुम्हारा बिगाड़ा किया तो तुम मेरे पीछे पड़ गई हो। कभी कहती हो कि फहद तुम्हारे होने वाले शौहर की माँ की गाड़ी लेके घूमता फिरता है, कभी कहती हो कि वो शोरूम का मालिक ही नहीं है। तुम्हारे से मसला क्या है? रीम, मैं तुम्हें सिर्फ समझा, तुम सिर्फ मुझे दुख पहुंचाना चाहती हो, जलाना चाहती हो मुझे और कुछ नहीं। क्या मैंने कभी अली भाई के बारे में कुछ कहा है? कभी भड़काया मैंने? मैं तुम्हें भड़का रही? हाँ तो और क्या कर रही हो तुम? रीम, जो मैंने सुना वो मैंने तुम्हें बता दिया। बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए अगर तुम सच को सच तो ये कि तुमसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि मुझे भी तुम्हारी तरह एक अमीर लड़का मिल गया है। तुम लोग तो बहुत खुश हो रहे थे ना कि मुझे मेरी जायदाद ही नहीं मिली। तुम लोग को ये लगा था कि मैं तुम्हारे रहमो करम पे यही हमेशा के लिए पड़ी रहूंगी, है ना? लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तभी तो हमेशा की तरह कोई ना कोई घटिया बात लेके यहाँ मेरे पास आ जाती हो। अब खड़ी क्या हो? जाओ यहाँ से। शोरूम नहीं है उसका। पता है तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है, क्योंकि जब भी तुम्हें याद करता हूं तुम्हारा फोन आ जाता है। पता नहीं क्या हुआ, गुस्से में हो? हाँ बहुत गुस्से में। अरे खुदा खैर करे, मुझ पर तो गुस्सा नहीं है। तुम पर नहीं, अपनी बहन पर। मेरी माँ मेरी बहन मेरी दुश्मन है, कोई भी मेरी खुशी में खुश है ही नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ हुआ क्या? नादिया को अली भाई ने कहा है कि तुम जमान मोटर्स के मालिक ही नहीं, और तो और ये भी कहा है कि तुम तारिक के भी पार्टनर नहीं हो। तेरे मेरे बीच इश्क नादानी, तेरे बड़े अफसोस की बात है मम्मी। आपने इतना भी नहीं सोचा कि इस बात से मुझे कितनी तकलीफ होगी। आपकी नजर में अपने बेटे की खुशी की कोई अहमियत नहीं है। तो मैं जानता हूं मुझे कोई तजुर्बा नहीं, पर इस तरह सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे अकेले पे भी तो नहीं छोड़ सकता। हाँ एक आइडिया है, हम ये सारी जमीनें बेच के अपनी वो पैसे भी शहर में मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करके उसको बढ़ा सकते हैं। हाँ